नमस्कार, मैं हूं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दो दिवसीय दौरे पर विधानसभा क्षेत्र के पटना प्रखंड में हैं। वहीं सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने अपने क्षेत्र की जनता से रूबरू हुए और उनकी समस्या को भी सुना। उनकी जो भी समस्या थी उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला के अधिकारी को निर्देश दिए। हम लोग सीधे कोरोना के दलदल में फंसे, दो साल के बाद जो कार्य योजनाएं हम लोगों ने बंद कमरे में बनाई थी उन सब को तेजी से उतारने का हम लोगों का प्रयास चल रहा है। और राज्य के अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे ये सुनिश्चित किया जा रहा है। 12 शिक्षकों जैसा जटिल समस्या का समाधान, जो 20 वर्षों तक इधर से उधर लटकता रहा, उस समस्या का समाधान, कई समस्याएं अभी पोषण सखी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, कई ऐसी वर्ग है जिनकी कई समस्याएं हैं, उन सब का भी निपटारा करने का प्रयास चल रहा है। इसलिए आप सब लोगों से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि सरकार इस बार आपके भावना के अनुरूप, आपकी दक्षता के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर रही है। आप सब लोग उसका लाभ लें। इसको लेकर हमारी व्यवस्था आपके लिए, सरकार की व्यवस्था आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा है। इस तरीके से कई चीजों में तेजी से बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। आज हमारे राज्य का अधिकतर हिस्सा जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, उन सब को ध्यान में रख के ही सारी कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। चाहे वो सर्वजन पेंशन की बात हो, बुजुर्गों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, एकल महिलाओं के लिए, सबके लिए धोती साड़ी जैसी योजनाएं, फूलों झानो आशीर्वाद योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक हमारा उद्देश्य है। ताकि आप सब लोग सरकार की व्यवस्थाओं का लाभ लेते हुए खुद को भी मजबूत करें, घर परिवार को आर्थिक मदद मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। आमजनों से भी थोड़ी मुलाकात, हमारी उम्मीद है
आप सब लोगों को पता है कि हम लोग वैश्विक महामारी की समस्या से कितना परेशान रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें सामान्य की जा रही है और जो सब कुछ ठप पड़ा था, विकास की सारी व्यवस्थाएं रुक सी गई थी, उन सब में तेजी से विकास को गति दिया जा रहा है और मुख्य रूप से आप लोग देख रहे होंगे समय समय पर कार्यक्रम और भी आने वाला समय में चलेगा और इसका भी आकलन किया जाएगा कि जो सरकार ने कार्य योजना बनाया है उनका लाभ या उस योजना का फलाफल क्या है। इसलिए आप सब लोग सरकार के योजनाओं का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।